बनाने वाले हैं भिंडी की सब्जी। तो ये देखिए भिंडी को मैंने धो के साफ करके रख लिया था, तो इसको हमने ये इस पीस में कट कर लिया, इसको बीच से कट भी किया। इसमें देख लेते हैं कि कीड़े वगैरह तो नहीं हैं, तो बस इसको कट कर लिया। चलते हैं अब इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। देखिए मेरा ऑयल गर्म हो गया, इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। भिंडी हल्की सी फ्राई हो गई है। फ्राई हमने इसलिए की है क्योंकि भिंडी में थोड़ा सा लेस वालापन होता है, तो वो सब्ज़ी में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हमने इसको हल्का सा फ्राई कर लिया है। चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये देखिए हमने स्क्वायर शेप में इसको प्याज को भी कट कर लिया है, इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट ही होने देंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। हमारा प्याज भी हो गया, इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो अब देखिए हमारा प्याज भी हो गया है, भिंडी भी हो गई है, तो चलिए बना लेते हैं भिंडी। तो सबसे पहले ऑयल हमारा थोड़ा सा बच गया है, तो इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून के करीब जीरा, और साथ में थोड़ी सी हींग डाल देंगे। और मेथी दाना मेरे पास नहीं है, मेथी दाना भी इसमें डालना चाहिए क्योंकि इसका भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। चलिए तो अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर प्याज, और ये हमारा प्याज हरी मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट है, तो इसको हमने थोड़ा सा मिक्सी में दरदरा पीस लिया है। तो इसको भून लेते हैं अच्छे तरीके से, तो हमें अच्छे तरीके से भून लेना है। तो अब हम इसमें थोड़े से मसाले डाल देते हैं, ये हाफ टेबल स्पून के करीब हल्दी पाउडर है ये डाल देंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल देते हैं, और धनिया पिसी हुई डाल देते हैं 1 टेबल स्पून के करीब। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा मिक्स हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं पिसा हुआ टमाटर, बस अब हम इनको अच्छी तरीके से भूनेंगे। हमारा टमाटर प्याज ये सब भून गया है, तो बस इसमें हाफ टेबल स्पून के करीब गरम मसाला और जीरे का पाउडर दोनों मिक्स करके हम डाल देंगे इसमें, और बस ये हमारा मिक्स हो गया है। तो इसमें डाल देते हैं नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डाल देंगे इसमें। ये भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं, और इसमें अब डाल देंगे भिंडी। भिंडी हमारी बिल्कुल पकी हुई है, तो इसमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। इसको मिक्स कर देते हैं, इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। हम अपनी भिंडी फिर से देख लेते हैं, और ये देखिए कितना अच्छा कलर भी आ गया हमारी भिंडी का। और अब ये हमारा भुना हुआ जो प्याज था इसको भी डाल देते हैं, बस इनको भी मिक्स कर देंगे, और हमारी भिंडी और प्याज की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। सब्जी बिल्कुल बन के रेडी है, और ये पराठे के साथ, पूरी के साथ, दाल चावल के साथ, किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। और इसको आप किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं।